दोस्तों भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कई छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कारण है समय का अभाव होना। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर वन, इंडोनेशिया के बहुत से स्कूलों में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है जिसमें सभी बच्चों की माँ को स्कूल में बुलवा कर बच्चों से उनके पैर साफ करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही माँ बाप की सेवा करना सीख सके और ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस ना करे। यही कारण है कि इंडोनेशिया में बहुत कम वृद्धा आश्रम मौजूद है। दोस्तों क्या ऐसा भारत में भी होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर टू, द नाइन नैनाज 9 महिलाओं का ऐसा ग्रुप था जो 30 सालों से चोरी छुपे रात में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे और उनके इस काम के बारे में उनके पतियों को भी पता नहीं था। ये महिलाएं विधवा महिलाओं के बिल भरने और गरीब बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जैसी मदद करने के लिए रात में छुपकर उनके पास पैसे और एक पाउंड केक और एक नोट रखते थे जिस पर लिखा होता था Somebody loves you। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर थ्री, 1958 में चीन में फसलों को बढ़ाने के लिए फोर पेस्ट कैंपेन नाम से अभियान चलाया गया था जिसका मकसद चूहे, मक्खी, मच्छर और चिड़ियों की आबादी को खत्म करना था। जब लाखों के करीब चिड़ियों को मारा गया तो इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया जिससे टिड्डी और फसलों को खाने वाले बाकी कीड़ों की आबादी बढ़ गई जिसने फसलों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1959 से 1961 के बीच चीन में दुनिया का सबसे जानलेवा अकाल पड़ गया जिसमें भूख के कारण 5 करोड़ के करीब लोगों की मौत हो गई थी। नंबर चार, अगस्त 2019 में फ्लोरिडा के बैरी फे नाम के व्यक्ति गूगल अर्थ पर अपने आस पड़ोस के इलाके को देख रहे थे तो उन्हें एक तालाब के अंदर कार दिखाई दी जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। इसके बाद कार के अंदर मिले कंकाल से पता चला कि ये लाश 22 साल पहले लापता हुए विलियम मोल्ड की है जो नवंबर 1997 में नाइट क्लब से अपने घर के लिए निकले थे पर कभी घर नहीं पहुंचे थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों 24 अक्टूबर 1975 को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए आइसलैंड की 90% महिलाओं ने मिलकर राजधानी में हड़ताल किया था। इसके बाद पार्लियामेंट को महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार का कानून पास करना पड़ा। इसके बाद महिला को राष्ट्रपति बनाने वाला आइसलैंड दुनिया का पहला देश बन गया था और आज भी हाईएस्ट जेंडर इक्वलिटी के मामले में आइसलैंड सबसे ऊपर आता है। दोस्तों तो ये थे 5 इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पहले नहीं पता था हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।